तो दोस्तों MRPL यानी कि मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो बहुत ज़्यादा मिक्स लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटा बेसिकली क्लोज में दिया हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था 29,401 करोड़, पिछले साल 35,915 को था। जबकि अभी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर बड़ी गिरावट आपको देखने मिली है, 24,832 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू पहुंच चुका है। जी हाँ, साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 29% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 15% से 16% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बुरी तरीके से इस क्वार्टर में आपको गिरता हुआ देखने को मिला। जस्ट लाइक चेन्नई पेट्रो के भी नंबर आए थे, चेन्नई पेट्रो के भी ऐसे हालत थे, उसके भी रेवेन्यू साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिले थे। एक्सपेंस की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में 26,537 को कंपनी ने खर्च किए थे, पिछले साल 31,799 को, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी खर्चे 23,325 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एंड एवरेज ठीक ही है, ज़्यादा कुछ खराब नहीं है, लेकिन कंपनी का जो रेवेन्यू ड्रॉप है वो बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है इस बार कंपनी के लिए। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 1913 करोड़ था, पिछले साल 2716 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 1014 करोड़ है, मात्र 1014 करोड़। मतलब कह सकते हैं कि आपके क्वार्टर क्वार्टर 50% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, जबकि साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट है, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 65% के आसपास की गिरावट है। EPS की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में 11 रुपये के आसपास था, पिछले साल 15.5 रुपये, गिर के 5.80 रुपये के आसपास आ गए। मैं आपको बता दूं ये नंबर इसलिए बहुत ज़्यादा खराब मुझे लग रहा है, चेन्नई पेट्रो के भी नंबर खराब आए थे। मैंने कहा था कि बेच के निकलिए चेन्नई पेट्रो को, 10 से 12% के आसपास की गिरावट चेन्नई पेट्रो के अंदर आई थी। MRPL के अंदर भी आपको कम से कम कल 6% के आसपास की गिरावट दिखेगी, मंडे को कम से कम 6%, हो सकता है 10% तक की आपको गिरावट आपको MRPL के अंदर देखने को मिल सकती है। क्यों देखने को मिल सकती है, उससे पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लॉजिक ये है कि ये जो क्वार्टर आप देख रहे हैं, ये जो आप अभी का जो क्वार्टर चल रहा है, इस 3 महीने में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा विंडफॉल टैक्स जीरो कर दिया गया है। जितने भी विंडफॉल टैक्स और बाकी सारे टैक्सेस लगाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, वो इस क्वार्टर में या इससे पहले वाले क्वार्टर में लगाए गए। इस क्वार्टर में कंपनी मतलब गवर्नमेंट की तरफ सारा कुछ जीरो कर दिया गया है। जब जीरो कर दिया गया है तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए था, कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। कंपनी का रेवेन्यू भी गिरा है, कंपनी का प्रॉफिट भी गिरा है। इसी वजह से मैंने बोला था कि चेन्नई पेट्रो को बेच के निकलिए, चेन्नई पेट्रो में 12% के आसपास की गिरावट आई। MRPL भी उसी तरीके का नंबर दिखाया है, और मुझे लगता है कि MRPL आपको मंडे के दिन एक बड़ी गिरावट 10% तक की आकर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है MRPL के अंदर। अब आगे का ग्रोथ तो आप भूल ही जाइए कि आगे जितना का डे हाई बन चुका है उतना ही आपका हाई हो चुका है, उसके बाद से अगले 3 महीने तक ये शेयर फिर से आपको निचले स्तर पर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस कंपनी के द्वारा दिए गए बहुत ज़्यादा मायूस करने वाले, बहुत ज़्यादा खराब दिए गए। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।